अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे रमज़ान मुबारक हो आपको, ठीक है जी। और यहाँ पे रमज़ान की तैयारियाँ हो रही हैं, यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं, अफ्तारी की तैयारियाँ चल रही हैं जी। यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं जी, ठीक है जी। मम्मा स्पीडो से पकौड़े डाले जा रही हैं क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह चुका है। और फिर टाइम भी तो देखें हमने क्या कुछ बनाना होता है, लोगों की देखें चीज़ें भी होती हैं। तो फिर हम लोग 5 बजे से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पकोड़े देखने में बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं, तो ठीक है जी। ये बैंगन के पकोड़े हैं और आप खुद ही देख लें कितनी क्रिस्पी लग रहे हैं आपको, ठीक है जी। और उसके बाद फिर मम्मा ने आलू भी रखे हुए हैं, उसके बाद ये बनेंगे आलू, ठीक है जी। उसके बाद वह कोफ्तों के सालन भी तैयार है, बस पकोड़े और ये आलू वगैरह रह गए हैं, ठीक है जी। रमज़ान की जो अफ्तारी की तैयारियाँ बहुत धूमधाम से चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे शरबत है, ठीक है। शरबत के अंदर हम लीमू डालेंगे, ठीक है जी। कौन कौन रमज़ान में शरबत बनाता है प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। लीमू का रस हमने पहले निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप लीमू ज़्यादा पीना चाहते हैं तो ज़्यादा पी लें, ठीक है ना, क्योंकि हमारे घर लीमू नॉर्मल किया जाता है तो हम नॉर्मली डालेंगे, ठीक है जी। तो मम्मा ने कह रहे थे मीठा चेक कर लो। अब हमारा शरबत भी तो बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे बर्फ रह गई और बर्फ हम डालेंगे। शरबत बन के तैयार हो गया और अब हम इसको अपने दस्तरखान पे रखेंगे। हमारे पकौड़े बनने में बस थोड़ी ही देर रह गई, फिर हम आपको इनकी शक्ल दिखाएंगे असली, ठीक है। देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, तो बनने में बस 5-6 मिनट रह गए हैं। पकौड़े तो हमारे बन चुके हैं और अफ्तारी में से 5 मिनट रह गए, 5 से 6 मिनट, इसलिए हम बहुत ज़्यादा फटाफट कर रहे हैं। तो अब ज़्यादा हमारी स्पीड हो गई है। ना जी पकौड़े भी तैयार हो गए, अब रह गई है सिर्फ रोटियाँ। मम्मा साथ ही फटाफट रोटियाँ बनाने लग गई हैं। और अब यहाँ पे जाएंगे हमारे आलू के पकौड़े, देख सकते हैं। आलू के पकौड़े तो फटाफट बन जाते हैं, इसमें कोई लेट नहीं होता। तो आप लोग भी आलू के पकौड़े घर में ट्राई कीजिएगा। जब तक पकौड़े बने आप मेरे चैनल को भी और वीडियो को भी सही से लाइक कर दीजिएगा। मुझे सिर्फ 10 लाख वो सब्सक्राइबर चाहिए और 10 लाख ही लाइक चाहिए, तो कौन कौन मेरी बात मानेगा। प्रॉपर एक लाइक कर दें और रेड कलर के बटन को ब्लैक कर दें और बेल आइकन को उसके साथ एक घंटी होती है उसको भी प्लीज़ दबा दें। और नीचे कमेंट बॉक्स में भी एक प्यारा सा अच्छा तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे आलू के पकौड़े फटाफट से बन रहे हैं, और जो मैंने आपको काम कहा वो आप फटाफट कर दीजिए, क्योंकि फिर मुझे जो लेट काम है ज़रा अच्छा नहीं लगता और मैं अपना सबक भी फटाफट याद कर लेती हूँ। और मामा यहाँ पे फटाफट अब रोटियाँ बनाने लग गई हैं, एक तरफ पकोड़े बन रहे हैं और एक तरफ रोटियाँ बन रही हैं। यार क्या स्पीड है मेरी मामा की। एक मेरी मामा के लिए भी एक्स्ट्रा लाइक कर दीजिएगा। उसके लिए मैं आपको आलू के पकोड़े दिखाती हूँ कि वो तैयार हो गए हैं नहीं। वाह ये बस तैयार ही हो गए हैं, बस फूल रहे हैं ये, और उसके बाद फिर रेडी होंगे। और मामा ये रोटी डालने लगी हैं। हम गांव में रहते हैं, इतनी हम सिंपल फ्राई करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा इससे पेट भर जाता है, ठीक है। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, और अल्लाह का हर 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 हाल में अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम तो सही नमाज़ें पढ़ते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, ठीक है जी। रोटी यार पुल के पक भी गई है यार, अभी तो मम्मा ने डाली थी। और यहाँ पे मुकम्मल तौर पे खाना तैयार हो रहा है। मामा एक सेकंड भी नहीं रुक रही।
सुना जी हमारे आलू के पकौड़े भी बन गए हैं। व्हाट? और यहाँ पे सारे पकौड़े यम्मी यम्मी रेडी होते, मुझे जोरदार लगने लग गए। मम्मा कहती हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं कहते, क्योंकि शैतान जब होता है तो तुम ऐसे करते, तो शैतान रोज़ा मकरू करते हैं, लेकिन शैतान तो जेल में ही अल्लाह ताला के, और हम शैतान के वैसे ही काम कर जाते। मामा कहती हैं कि हमें चीज़ों का देखना नहीं चाहिए, क्योंकि रोज़ा हमारा मकरू हो जाता है, इसलिए मैं चीज़ों से दूर रहूँगी। प्लीज़ आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे ये भी कमेंट में बता दीजिएगा, और लगता है आपने लाइक भी नहीं किया तो थोड़ा पर लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।